अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ब। आप लोगों ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की होंगी वर्ब के बारे में, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो आज मैं कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इनशाला आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पहले भी आप लोगों ने वर्ब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इतनी डिटेल और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिले होंगे, इसलिए ज़रा गौर से देखिएगा आज की वीडियो। अच्छा, वर्ब कैसे कहते किसे हैं? वर्ब इज अ हार्ट ऑफ सेंटेंस। जो हम लोग फिकरा होता है ना, उसका हार्ट है। मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ब। सारे सेंटेंस जो है वर्ब पे बेस करते हैं। एंड एंड एन अदर वर्ड्स इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ सेंटेंस। मतलब पहले उसे हार्ट बोल दिया था और बाद में न्यूक्लियस भी बोला हुआ, मतलब कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ब का टॉपिक। ये दो लाइंस आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि वर्ब का टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड डैट इज यूज टू से समथिंग अबाउट अबाउट अ पर्सन और थिंग। ये किसी शख्स और चीज के बारे में हमें बताता है। इट ऑफन डिनोट्स सम एक्शन। ये होगी इसकी डेफिनेशन। और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ी सी। एग्जाम्पल है गो, कम, रीड, राइट। काफी सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आपका क्लियर हो जाए। प्ले, ये क्या है? वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। स्माइल, लाफ, वीप, वीप मतलब रोना, ईट, ड्रिंक, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं। इट इज सी अली इज अ डॉक्टर। अली इज अ डॉक्टर। अब इसमें आपने खुद देखना है कि इसमें वर्ब क्या इज, ठीक है? इज क्या है? वर्ब है। थोड़ी सी और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको आई हैव 10 बुक्स। इसमें हैव जो है ये क्या है? वर्ब। दिस स्टोरी सीम्स ट्रू। इसमें सीम्स जो है मतलब देखना, ये क्या है? वर्ब है। अच्छा, थोड़े से इधर मैं आपको बताती हूँ। वर्ब डिवाइड होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं सारे हेल्पिंग वर्ब आज आपको ना बता दूंगी, जरा गौर से देखिएगा। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। अगर आप लोग यही याद कर लें तो काफी है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, आर,
एम वाज वर हैव हैज हैड डू डज विल शैल वुड शुड कैन कुड। ये आप फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिएगा। मे माइट मस्ट आउट यूज्ड आगे नीड डियर। ये भी वर्ब में यूज होता है नीड और डियर, लेकिन अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। ये सारे कौन से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब कौन से रह गए हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब देखते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, थोड़ा सा मैं इसका एक क्लू दे दूं आपको। हेल्पिंग वर्ब इट इंडिकेट टाइम, ठीक है। ये हेल्प फ्रॉम टेंसेस, ये मतलब हमें टेंसेस बनाने में मदद करता है। और क्या करते हैं? पैसिव वॉइस वर्ब की वजह से बनते हैं। एक्सप्रेस मूड, ये सारी क्या है? एक्सप्रेस मूड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हेल्पिंग वर्ब के। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे मूड को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मूड को कैसे एक्सप्रेस करता है? एग्जाम्पल के तौर पे यू मे गो नाउ, मूड को एक्सप्रेस किया। कि तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। अब ये दो सेंटेंस जो है, यू मे गो नाउ या यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, ये क्या मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। अब क्या रह गया हमारे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। मेन वर्ब होते हैं गो कम रीच रीड राइट इटीसी। इस तरह के हम लोग काफी सारे फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज करते हैं ना। ये कौन से मेन वर्ब। अब आप लोगों ने दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख लिए। अब मैं आप लोगों को फॉर्म ऑफ वर्ब बताऊंगी। फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए मैं आपको एक स्केच बनाकर आपको समझाऊंगी, वो देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी पढ़ी हुई है? हर एक क्लास में हमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना तीन पढ़ाई जाती हैं, लेकिन रियल में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ना वो पांच है। कौन कौन सी? प्रेजेंट पास्ट। आप लोगों ने ये नहीं याद करना कि तीन फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, गो वेंट गोन, इस तरह नहीं याद करना। आपने उसके नाम याद करने हैं। जो पहली फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट, जो दूसरी फॉर्म होती है उसे कहते हैं पास्ट, जो तीसरी फॉर्म होती है उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो फाइव होती है वो इन्फिनिटिव होती है। अब नेक्स्ट आपने याद रखना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी है? पांच है। कैसे हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने टेंसेस पढ़े होंगे। टेंसेस टोटल होते हैं 12, ठीक है। 12 टेंसेस होते हैं। ये जो प्रेजेंट फॉर्म है ना वो सिर्फ एक टेंस में यूज होती है, वन टेंस। कौन से टेंस हैं और कितने हैं, ये सारा बाद की बात है। जब आपको मैं टेंसेस करवाऊंगी ना तो तब आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे आप लोग पहले से इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ये भी एक में यूज होगी। मतलब पास्ट प्रेजेंट के भी एक फॉर्म है, एक टेंस है,
पास्ट का भी, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना ये तीन में यूज होती है, तीन टेंस में, ये भी तीन टेंस में, और ये भी एक, और ये टोटल कितने हो गए 12। ठीक है, नहीं, आई थिंक जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना वो सिक्स में यूज होता है। अब ये 12 बन रहे हैं, 1, 2, 5, 6, 11 और 1, 12। अच्छा अब देखते हैं प्रेजेंट कौन सा होता है, गो, इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, गो वेंट गोन, हमने ऐसे ही याद किया होगा ना, गो वेंट गोन, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा गोइंग। इनके साथ ing लगता है और इसके साथ टू लगता है, टू गो, जो फर्स्ट वाले है ना इसके साथ हम लोग टू लगा देंगे। अब आगे कम केम, कम कमिंग ing लगा देंगे, टू कम, पुट पुट पुट, पुटिंग टू पुट, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेइंग टू प्ले, सेल सोल्ड सोल्ड, सेलिंग, बस ing लगा देंगे और इसके आगे टू, टू सेल, राइट रोड। इधर मैं काफी सारी ना लिख के आपको दिखा रही हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। रिटर्न राइटिंग, टू राइट, क्राई क्राइड क्राइड, क्राइंग, ये हम लोगों ने अक्सर वर्ड पढ़े होते हैं लेकिन हमें नहीं पता ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू क्राई, थोड़ी सी और देख लेते हैं, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, क्लोजिंग टू क्लोज, आई थिंक इतनी काफी है, बाकी आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ये कौन से वर्ब मतलब प्रेजेंट के क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट फॉर्म, ये सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म में, PR मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा, ये पास्ट फॉर्म में, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना ये कोई एक्शन कंप्लीट जब होता है ना, कोई भी एक्शन जब कंप्लीट होता है या कोई भी मतलब काम कंप्लीट हो जाता है तब यूज होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये एक्शन इन प्रोग्रेस मतलब कोई भी काम जब जारी होता है ना तो तब क्या यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोग्रेस, ये इन्फिनिटिव में यूज होता है। अब इन्फिनिटिव क्या है ये आप लोगों ने पहली दफा पढ़ा होगा, ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ इन्फिनिटिव क्या होता। अच्छा अब हम लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब तो कर लिए, इसमें कुछ रेगुलर वर्ब है कुछ इरेगुलर है, अब हम मैं आप लोगों को उसकी भी पहचान करवा देती हूँ। ये जो हम लोगों ने ये पहले पढ़ा था ना गो कम गो वेंट गोन, ये क्या है, इरेगुलर इरेगुलर वर्ब है ये, और रेगुलर कौन से हैं, प्ले प्लेड प्लेड, सेल सोल्ड सोल्ड, ये क्या है, रेगुलर है, रेगुलर वर्ब है, समझ लगी आपको। आप एक दफा ये पिक भी ले सकते हैं पूरे स्केच की,
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ इन्फिनिटिव क्या होता। देखें, थोड़े से फाइनाइट होते हैं और नॉन फाइनाइट, इन दोनों फॉर्म से ना हम लोगों को पता चलेगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है। अब फाइनाइट क्या होता है? वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो फिक्रा मुकम्मल कर दे, जैसे प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल फाइनाइट है। मैं आप लोगों को लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन। वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो फिक्रा मुकम्मल कर दे। कौन कौन सी है जो फिक्रा मुकम्मल कर दे? अब ये जो पहली दो हम लोगों ने पढ़ी थी ना, प्रेजेंट और पास्ट, ये क्या है? फाइनाइट है। एग्जाम्पल, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ये क्या है? फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट क्या होता है? ये फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सकती क्योंकि वो कोई टाइम या टेंस इंडिकेट नहीं करती। मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, ये फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सकती क्योंकि वो कोई टाइम या टेंस इंडिकेट नहीं करती। ये मैंने थोड़े थोड़े से ना पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हुए थे ताकि आप लोग नोट कर लें और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जब आप टेंसेस करें। इसमें कौन कौन से यूज होंगे? एग्जाम्पल के तौर पे पास्ट पार्टिसिपल, और क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड यूज होगा इन्फिनिटिव। जो फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सकती, इन्हें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इन्हें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। इसके बाद मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के ना थोड़ी सी एग्जांपल्स देकर आपको समझाती हूँ। ये मैं आप लोगों को, ये जो वर्ड यूज हुआ था ना पार्टिसिपल, इसकी भी डेफिनेशन अभी मैं आपको करवा देती हूँ। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इसमें से हम लोगों ने निकाला इन्फिनेटिव से। अब एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ी सी। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। आई गो टू कॉलेज डेली, ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। गो क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था ना गो, प्रेजेंट फॉर्म। ये देखें, प्रेजेंट है ना। आई वेंट टू कॉलेज। अब इसमें वर्ब क्या है? वेंट, और वो क्या है? पास्ट, ठीक है? पीटी पास्ट फॉर्म। और ये क्या है? फाइनाइट। ये दोनों फाइनाइट होते हैं ना, फाइनाइट वर्ब। अब आगे, ही हैज गॉन। मैंने बोला था ना कि जो नॉन फाइनाइट होते हैं ना उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, जिस तरह हैज आ गया। ही हैज गॉन टू कॉलेज। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू कॉलेज।
अच्छा देखें, हैज की जगह हम लोग हैड भी यूज कर सकते हैं ना, विल हैव भी। ये जो हम लोगों ने मतलब 12 ये देखें, जरा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पास्ट में ये पास्ट है ना, हैज हैव विल हैव, तीन टेंस यूज होते थे इसमें। ये है, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट। अब समझ लगी, ही हैज गोइंग टू कॉलेज। अब इसमें हम लोग ही इज, इसकी जगह हम लोग वाज भी यूज कर सकते हैं और विल बी इसमें होगा यूज। और ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट। अब मैं एक टेंस लिखती हूँ, चिल्ड्रन केम रनिंग टू सी अस। चिल्ड्रन केम रनिंग टू सी अस। अब इसमें जो चिल्ड्रन केम है ना, ये क्या, फाइनाइट, फाइनाइट को शो कर रहा है, रनिंग टू सी अस। और ये जो फिगर है ना, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। समझ ला कि ये एग्जाम्पल है। अब फाइनाइट भी आपका कंप्लीट हो गया, नॉन फाइनाइट भी, और मैंने एक सेंटेंस लिखकर आप लोगों को समझा भी दिया। इसके बाद पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं। पार्टिसिपल की भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पार्टिसिपल का मतलब होता है, पार्टिसिपल मीन अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव एज वेल एज, मतलब पार्टिसिपल जो होता है ना, एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है और वर्ब के साथ भी यूज होता है। यही इसकी डेफिनेशन है कि ये एक पार्टिसिपल के जो लफ्ज है ना, वो एडजेक्टिव के साथ भी यूज होते हैं और वर्ब के साथ भी। कैसे यूज होते हैं, एग्जाम्पल, ड्रॉइंग मैन, डूबता हुआ आदमी, अब इसमें जो एक्शन है ना, एक्शन इन प्रोग्रेस, मतलब आदमी डूब रहा है, और ये किसको शो कर रहा है, पार्टिसिपल को। नहीं समझ लगी आपको, यहां पर देख लें, यहां हम लोगों ने लिखा था ना, ड्राइंग, ड्राइंग है ना, ING वाली फॉर्म यूज हुई थी, तो मतलब एक्शन इन प्रोग्रेस है। समझ लगी। इसके बाद ड्रॉन्ड मैन, मतलब आदमी डूब चुका है, डूबा हुआ आदमी। तो इसमें क्या होगा, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब आदमी डूब चुका है, एक्शन इज कंप्लीट। जो प्रेजेंट, अब इसमें ना मैं दो पॉइंट्स लिखने लगी हूँ, हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लें। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो, मतलब कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ना, उनमें कौन से यूज होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल किसमें यूज होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल
इज यूज्ड परफेक्ट टेंस। अभी आप लोगों ने टेंसेस नहीं ना किए हुए, लेकिन आज टेंसेस का इतना ज्यादा वर्ब में जिक्र होगा ना, क्योंकि क्यों ये हार्ट ऑफ टेंसेस है सेंटेंस का और न्यूक्लियस है, इस वजह तो ये हम लोगों ने देख लिया परफेक्ट टेंस में यूज होता है। अब मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना एक चार्ट बनाकर दिखाने लगी हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, चार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ड। ऑक्सिलरी क्या होता है? मददगार। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा वर्ब की फॉर्म्स में ना हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा मददगार होगा। हम लोगों ने पांच फॉर्म पढ़ी थी, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। अब बी, बी का मतलब होता है होना। पास्ट में क्या होगा? वाज। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? बीन, बीइंग, टू बी। बी की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं इज, आर, एम। वाज की जगह हम लोग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सेकंड हैव का मतलब क्या होता है? रखना। पास्ट में क्या होगा हैव की जगह? हैड, हैड, हैविंग, टू हैव। हैव की जगह हम लोग हैज भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों बी इज आर एम, हैव, हैज, हैड, हैड। अब डू, डू का मतलब क्या होता है? करना। डू, डिड, डन, डूइंग, टू डू। विल, शैल, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये मतलब मैं क्या लिख रही हूँ, इससे हमें क्या फायदा होगा, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, एक दफा आप लोग साथ साथ नोट कर लें। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब सारे पढ़े थे ना पीछे, अगर ना याद हो तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब सारे हम लोगों ने पढ़े थे। अब उसका मैं आप लोगों को चार्ट बनाकर दिखा रही हूँ, उसको डिवाइड कर दिया प्रेजेंट में, पास्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट। अगर आप लोगों को इस तरह नहीं ना समझ लग रही तो मैं आप लोगों को एक और तरीके से बता देती हूँ। मस्ट, आउट। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इनकी जगह ये जो है ना ब्लैंक है, इनकी जगह कुछ भी नहीं आना। मस्ट, आउट। अब यहां यूज्ड होगा, ये आप लोग एक पिक भी ले सकते हैं इस चार्ट की। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ ये चार्ट। इस, आर, एम, वाज, वर, बीन, टू बी, ये किसमें यूज होंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है, ये सारे वर्ड वर्ड जो है किसमें यूज होंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग, टू बी, हैज, हैव, हैड, हैविंग,
यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। अब आगे इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड आउट यूज्ड, ये किसमें यूज होगा? टू इन्फिनिटिव में। अब आपको समझ लग रही है जो मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया था? ये आप लोग सारा नोट कर लें। अच्छा, इसमें से कुछ वर्ड है ये टू के साथ यूज होगा, और खाली इन्फिनिटिव में क्या यूज होगा? डू, डज, डिड, विल, मतलब इसके साथ ना टू यूज नहीं होगा। इसके साथ टू यूज हो सकता है, आर के साथ टू यूज हो सकता है, इन सब के साथ, लेकिन डू के साथ टू नहीं यूज हो सकता। और ये क्या कहलाते हैं? बेर इन्फिनिटिव। विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों ने ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोगों ने टेंसेस करने, और ये टेंसेस के लिए हेल्पफुल हैं। ये बेर इन्फिनिटिव है, मतलब इनके साथ हम लोग टू यूज़ नहीं कर सकते। समझ ला कि ये था, ये चार्ट था। आप लोगों को अगर चार्ट की समझ नहीं लगी तो फिर मैंने इस तरह आप लोगों को सिंपली करके बता दिया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ, ये टू, और ये बेयर इन्फिनिटिव। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं लगी तो थोड़ा सा हौसला कर लें, लेकिन नोट लाजमी कीजिएगा ये सारी चीज़ें। जब हम लोगों ने टेंसेस करने हैं ना, तब आप लोगों को ये यूज़ होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही तो टेंसेस बनते हैं। आगे हम लोग कुछ आज के इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे। अगर मैं आज आपको एक्सरसाइज भी करवा दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज हम लोग थोड़े से की पॉइंट्स पढ़ के ना तो वीडियो एंड करते हैं हम। एक्सरसाइज आप लोग जब हम लोग टेंसेस करेंगे तब भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताने लगी हूँ ना, वो आप लोग देखें। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, के साथ सिर्फ बी फैमिली यूज होती है, मतलब बी फैमिली यूज होती है, बी फैमिली का वर्ब यूज होगा। जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसके साथ बी एंड हैव फैमिली, मतलब इसके साथ सिर्फ बी फैमिली यूज होगी, बी फैमिली ये है ये सारी। और जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसके साथ हम लोग बी भी फैमिली यूज़ करेंगे और हैव की फैमिली भी यूज़ करेंगे। और एक्टिव यूज़ हैव फैमिली, जो एक्टिव और पैसिव हम लोग करते हैं ना, आप लोग ये नोट कर लीजिए जो मैं बोल रही हूँ ना। एक्टिव के साथ जो एक्टिव पैसिव हम लोग यूज़ करते हैं, एक्टिव के साथ हैव वाली फैमिली यूज़ होती है, और जो पैसिव होते हैं बनाते हैं हम लोग, वो बी वाली फैमिली यूज़ होती है। और इन्फिनिटिव का जो फर्स्ट टू कॉलम है ना, लाइक फर्स्ट टू कॉलम कौन कौन से मैं कह रही हूँ, इन्हें कहते हैं, ये अनोमलस है, इन्हें कहते हैं अनोमेलस, फाइनाइट है ये फाइनाइट थे। और ये क्या थे? डिफेक्टिव वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब आप लोग लिख लीजिएगा, डिफेक्टिव वर्ब। अब मैं जो बात बता रही हूँ वो देखें, जो इन्फिनिटिव की फैमिली थी ना, फर्स्ट टू कॉलम अनोमलस के, ये वाले दो कॉलम, ये फाइनाइट में यूज होगा। जो इन्फिनिटिव का टू सिर्फ इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड आउट के साथ इस्तेमाल होगा।
मतलब ये चीज बताई बताई जा रही है कि टू इनके साथ यूज होगा और इनके साथ टू नहीं यूज होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल करती हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं ना लगी तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, या मुझे जो है यूट्यूब के नीचे मैसेज करके कमेंट में, तो आप लोग वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।